अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ ज़ैनब अली फ्रॉम ज़ैनब कुक हाउस। तो आप लोगों की डिमांड पे, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों की डिमांड पे मैंने आज आपके लिए प्रेजेंट किया है इटालियन बिरयानी। सो दोज़ हु आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेकिंग कैसी लगती है आपको। तो इटालियन बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चिकन ले लिया है यहाँ पे, इसमें डाला है लहसुन का पेस्ट, ग्रीन चिली का पेस्ट और थोड़ा अदरक का पेस्ट। बेसिकली इसे हमें मैरिनेशन करना है, थोड़ा सा नमक और फूड कलर, एडिबल फूड कलर। तो फूड कलर कोई भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर करें कि अच्छी क्वालिटी का हमेशा आप यूज़ करें। ये बन रहा है 1 kg के लिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से मैरिनेट करके आपको इसे रोस्ट कर लेना है, जैसे आप चिकन तंदूरी रोस्ट करते हैं वैसे ही इटालियन चिकन को रोस्ट करना है। अगर आपके पास रोस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप इसे ओवन पे कर सकते हैं। अगर ओवन भी नहीं है तो आप इसे तवे पे थोड़ा हल्का सा शैलो फ्राई कर सकते हैं, वैसे ही जैसे हम चिकन टिक्का वगैरह घर पे बनाते हैं तवे पे, वैसा ही। आपको इसे पूरा कुक नहीं करना है, थोड़ा ही कुक करना है, उसके बाद कोल का आप इसे फ्लेवर दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप घर में बहुत तरीके से इसे रेडी कर सकते हैं। तो जब ये प्रोसेस हो जाए उसके बाद आपको इसका मसाला बनाना है। तो मसाला आपको देखकर लगेगा कि हरे मसाले वाला बिरयानी है, बट बहुत ही अलग बिरयानी है ये। टमाटो प्यूरी ले लेना है, उसके बाद आपको इसमें कोकोनट पाउडर डालना है, खमन, ड्राई कोकोनट पाउडर। अजीना मोतो डालना है, स्किप कर सकते हैं आप। हल्दी पाउडर और इसमें गया है जिंजर पेस्ट, ठीक है, जिंजर पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, सॉल्ट और ग्रीन चिली सॉस और तंदूरी मसाला। तो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा मसाले नहीं है इसके अंदर। और क्रीम गया है और ब्लैक पेपर पाउडर, इसको आपको मिक्स कर लेना है सबको। यहाँ पे बिरयानी का मसाला रेडी करते हैं। ऑयल ले लेना है, खड़े गरम मसाले डालने हैं आपको, जैसे 2-3 बड़ी इलायची, 2-4 छोटी इलायची, थोड़ा सा सिनेमन, जीरा और तेज़पत्ता। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो पॉज करके आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पे गया है लहसुन का पेस्ट, तो पहले अदरक का पेस्ट डाला था टमाटो प्यूरी में, यहाँ पे लहसुन का पेस्ट डाला है, क्योंकि लहसुन को बहुत भूनना ज़रूरी है क्योंकि उसमें कच्चा स्मेल होता है। अब ये जो प्यूरी बनाया था आपने टमाटो और मसाले का, इसको आपको भून लेना है, इतना भूनना है कि जब तक कि इसमें कलर और अच्छा सा एक तेल ऊपर ना आ जाए। तो ईजी बिरयानी है गाइस, इसके पहले भी हमने बहुत सारी बिरयानी जो है वो अपलोड की हुई है, मेकिंग केटरिंग स्टाइल मेकिंग जो होती है शादियों में जो मुंबई में बनती है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। इसमें गया है खोआ, तो खोआ जब आप डालो तो स्लो फ्लेम पे खोआ डालो और हमेशा फ्रेश यूज़ करने की कोशिश किया करें, क्योंकि उससे आपकी जो ग्रेवी है वो फटेगी नहीं। अब इसमें गया है कैप्सिकम, तो कैप्सिकम शिमला मिर्ची, तो 3 टाइप के अलग शिमला मिर्ची, अगर आपके पास एक ही है तो आप एक ही डाल दीजिए। अब गया है दही, दही और चिकन साथ में जाएगा, तो चिकन और दही को फिर आपको अच्छे से भून लेना है, इतना भूनना है कि आपका चिकन जो है वो ऑलमोस्ट उस मसाले में कुक हो जाए। उसके बाद गया है धनिया, कुछ आलू, आलू अगर आपको डालना है तो डालें, अगर नहीं डालना है तो स्किप कर सकते हैं। आलू को पहले थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए एक अच्छा सा क्रस्ट आने तक। उसके बाद गया है ब्रिस्ता, और अगर आपके पास ब्रिस्ता अवेलेबल नहीं है और आपके पास नॉर्मल कांदा है, तो गरम मसाला जब डाला था तो उसमें प्याज डाल के आपको उसको पहले ही ब्रिस्ता बना लेना है, ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। देन इसमें गया है घी, अब घी डालने के बाद आपको भूनना है मसाले को। आप जितना भूनोगे उसका टेस्ट आएगा, भूनोगे नहीं दम पे सिर्फ पकाओगे तो उसका टेस्ट उतना फ्लेवर नहीं आएगा। अब इस पर आपको घी डाल देना है और एक अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर डाल देना है। गाइस आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक @ ज़ैनब कुक हाउस पर, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी मेकिंग जो है शादियों वाली कैसी लगती है। यहाँ पे आया प्रोसेस बिरयानी की राइस का, तो बिरयानी का राइस वही है, 70-80 का रेशियो है। ये आपको टेक्निकली कोई भी नहीं समझा सकता है कि किस तरीके से इसे बनाया जाता है, जब तक आप बनाओगे नहीं तो आपको समझेगा नहीं। बट अगेन आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगता है बिरयानी का राइस बनाना, तो पूरा राइस आप बना के रख सकते हैं 100% कुक। इसमें जाता है रोज़ वाटर, सॉल्ट, कुछ गरम मसाला और थोड़ा ज़ीरा वगैरह, बस, और इसमें कुछ नहीं जाता है।
जाएगा। ठीक है, ये आपका राइस बिरयानी राइस रेडी हो गया। उसके बाद आपका जब मसाला रेडी हो जाए तो बिरयानी का जो राइस है आपको इस पे लेयर कर लेना है। गाइज, अगर आप जमजम पुलाव या फिर बारबेक्यू बिरयानी या फिर मलाई सीख बिरयानी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चेक करके उसे भी देख सकते हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है और बहुत सारे स्टार्टर्स भी अपलोड किए हुए हैं जिनमें सबसे फेवरेट जो है वो है तिरंगा कबाब। बहुत ही यूनिक कबाब है वो, आपने बहुत सारे शादियों में खाया होगा तो ज़रूर चेक करें। सो, यहाँ पे हमारी बिरयानी रेडी हो गई है। दम पे देना है इसे अराउंड 25 to 30 minutes। दम देने के बाद आप देखें कि ये कितना बेहतरीन लग रहा है, जितना लग रहा है उससे ज़्यादा ये टेस्टी था। इसका फ्लेवर मलाई सीख बिरयानी से थोड़ा अलग है बिकॉज मलाई सीख बिरयानी में बहुत सारा मेयोनीज, क्रीम, मावा ये सब जाता है, बट इसमें थोड़ा सा मावा, थोड़ा सा क्रीम जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। गाइस, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट मेकिंग के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।